1963 में लोकसभा में इसी सदन में और इसी जगह से 1963 में कॉल अटेंशन मोशन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मोशन का जवाब देने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्रीमान दिनेश जी जब बोल रहे थे तो आखिर में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा था और उन्होंने जो कहा था, मैं कोट कहता हूं, पूर्वी पाकिस्तान में वहां की अथॉरिटी हिंदुओं पर जबरदस्त दबाव बना रही है। ये पंडित जी का स्टेटमेंट था। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए गांधी जी नहीं, नेहरू जी की भावना भी रही थी। इतने सारे दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं, स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट है, सभी इसी तरह के कानून की वकालत करते रहे हैं। मैंने इस संबंध में तथ्यों के आधार पर अब मैं कांग्रेस के खास रूप से पूछना चाहता हूं और उनकी इकोसिस्टम भी मेरे सवाल समझेगी। जो ये सारी बातें मैंने बताई, क्या पंडित नेहरू कम्युनल थे? मैं जरा जानना चाहता हूं। क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम में भेद किया करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? जो उन्होंने जो बातें कही, क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है, वो बातें बनाती हैं, झूठे वादे करती हैं और दशकों तक वो वादों को टालती रहती है। आज हमारी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को बड़ी जिम्मेवारी के साथ संविधान की मर्यादाओं को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान की जिम्मेवारियों को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूं, सीएए इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। फिर भी जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है, वो लोग बोर्ड में की राजनीति करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। और मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है? क्या माइनॉरिटी के साथ, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? वो माइनॉरिटी से कहीं ना, क्या आप उन लोगों के, हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध बांध करके उनको जला दिया था? इतना ही नहीं, सिख दंगों के आरोपियों को जेल में तक भेजने का काम आपने किया नहीं? इतना ही नहीं, आप जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो? सिख
मां माताओं को तीन दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? क्या माइनॉरिटी के लिए दो दो तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जिसने इतने सालों तक देश में राज किया, आज वो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में देश को अपेक्षाएं थी, वो आज गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। ये रास्ता आपको भी मुसीबत पैदा करने वाला है, देश को भी संकट में डालने वाला है। और ये चेतावनी मैं इसलिए दे रहा हूं, हम सबको देश की चिंता होनी चाहिए, देश के उज्जवल भविष्य की चिंता होनी चाहिए। आप सोचिए, अगर राजस्थान की विधानसभा कोई निर्णय करे, कोई व्यवस्था खड़ी करे और राजस्थान में वो कोई मानने को तैयार ना हो, जल से जुलूस निकाले, हिंसा करे, आगजनी लगाए, आपकी सरकार है, क्या स्थिति बनेगी? मध्य प्रदेश, आप वहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा कोई निर्णय करे और वहां की जनता उसके खिलाफ इसी प्रकार से निकल पड़े, क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या एनआरकी का रास्ता? और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है, आपने इतना गलत किया है, इसलिए तो वहां बैठना पड़ा है। ये आपके कारनामों का ही परिणाम है कि जनता ने आपको वहां बिठाया है। और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से देश में हर एक को अपनी बात बताने का हक है, लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके, लोगों को गुमराह करके हम कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं आज संविधान की बातें करने वालों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं, आइए संविधान को सम्मान करें, आइए मिल बैठ करके देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चले, आइए देश के 15 करोड़ परिवार जिनको पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है वो पहुंचाने का संकल्प करें, आइए देश के हर गरीब को पक्का घर लेने के काम को हम मिलकर के आगे बढ़े ताकि उनको पक्का घर मिले, आइए देश के किसान हो, मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए, आइए हर पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दें, आइए एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम मिल बैठ करके आगे चले, इसी एक भावना के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक अनेक धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं।